वेलकम एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक छोटा सा मॉड करने वाले हैं जिक्सर पे। इसका जो मडगार्ड है यहाँ पे, ये हम लोग देख सकते हैं कि बहुत छोटा देती है कंपनी, और इसकी वजह से यहाँ पे जो है काफी स्प्लैशेस होते हैं। सो ये एक अमेजोन से एक एक्सटेंडर मिलता है, ये खरीद लिया है। बजाज के भी मिलते हैं ऑथोराइज स्टोर्स में, बट वही प्रॉब्लम है कि छोटे होते हैं थोड़े, मतलब इतने साइज तक होते हैं। सो ये एक्सटेंडर थोड़ा ज्यादा है आगे। सो इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। अभी फिलहाल मैं टेम्पररी दिखा देता हूँ, अगर ये लगेगा तो कैसा दिखेगा। ये कुछ इतना ऐसा लंबा कर देगा इसको, तो काफी काम करेगा। इसकी डिजाइन वैसे ऐसी है कि ये अंदर से होना, मतलब ये ऐसे होना चाहिए डिजाइन के हिसाब से, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं अंदर से ही लगा दें। लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है इसका। पहले पूरा ये बाहर निकालते हैं, फिर मेजरमेंट्स लेकर इसमें होल करना पड़ेगा 3, फिर उसके बाद लगाते हैं। सो ये दैट्स इट, देख रहे हो कितना गंदा होता है। तो जिक्सर का एक सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे जो नट है वो अंदर से 10 नंबर का नट है, और ये पाने से खोलना पड़ेगा या फिर आपको पूरा व्हील निकालना पड़ेगा। व्हील निकालना हेक्टिक है, तो हम लोग इससे पाने से ही खोल रहे हैं 10 नंबर के। एक यहाँ है और एक उस तरफ भी है जो अभी खोला जा रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये एलन नट्स हैं दोनों साइड, इनको भी खोलना है। सो आई गेस 4 पे है टोटल। और ब्रेक लाइंस भी जो इसकी है, ब्रेक लाइंस का ये जो कनेक्टर है इसको भी खोलना पड़ेगा। तो ही नहीं नहीं ये तो इस पे है, इसको नहीं खोलना पड़ेगा। सो मडगार्ड निकालना है, मतलब 4 स्क्रू पे पूरा मडगार्ड बाहर आ जाएगा। सो इसको जब हम लोग पीछे से खोलते हैं तो ये नट जो है ये बाहर आता है इसमें से 10 नंबर का। इसके साथ वॉशर भी है, तो इसको संभाल के रखना है क्योंकि वापस लगाना है, को मत देना वॉशर को, बहुत काम की चीज है। अभी दूसरे साइड का निकल रहा है। सो दोनों नट सब खुल चुके हैं, अब एलन खोल रहे हैं। ये 5 नंबर का एलन नट है, थोड़ा लॉक टाइट से शायद टाइट होगा, इसीलिए इसको थोड़ा दम लगेगा खोलने के लिए, तो थोड़ा एक्सटेंडेड रैचेट यूज करना। और 10 नंबर का पाना, 10 नंबर के 2 नट्स खोलने थे उसके लिए। ये दोनों नट्स को हम लोग संभाल के रखेंगे। सो इजी है, इतना ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है, प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। अगर आपको ये स्टैनली का बॉक्स खरीदना है तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, खरीद सकते हो। मोल्डेड जैसा फंसा हुआ है अंदर। ओके, और भी वॉशर्स हैं उसको। सो मडगार्ड बाहर आ गया है, अब इसमें यहाँ पे छेद करते हैं 3 और फिर इसमें लगाते हैं। गाड़ी थोड़ी अजीब लग रही है, सारा लुक्स चला जाता है, ऐसा लगता है एकदम पतली हो गई है। चलो तो ये हम लोगों ने ऐसे 3 छेद कर लिए हैं। 3 छेद करने के लिए हम लोगों ने कैंडल यूज किया है, कैंडल, और अगर ऐसा कोई शार्प ऑब्जेक्ट होगा आपके पास तो उसको आप गर्म करो और उसके ऊपर फिर ऐसे आप बस धीरे धीरे ऐसे छेद कर दो, हो जाता है आराम से, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। इनको एक्चुअल में 6 वॉशर देने चाहिए, पीछे भी 3 और आगे ऊपर भी 3। हम लोगों ने अपने एक्स्ट्रा थे थोड़े वो यूज कर लिए हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने जो साथ में आए थे कंपनी के वो वाले लगाए हैं ताकि दोनों तरफ से वॉशर का सपोर्ट रहे इसको। अभी इसको लगाने का टेक्निक कैसा है, ये एकदम पहले ऐसा कर लो टायर के साथ चिपका के, फिर उसको धीरे 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 ऐसे अंदर डालना, स्लाइड करना अंदर, आराम से जाता है एकदम। फिर यहाँ पे सस्पेंशन के पास आगे फंसेगा ये, उस टाइम पे इसको बस नीचे से थोड़ा प्रेस करना है, थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे अंदर कर लिया, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करके, फिर थोड़ा सा प्रेस करके आगे। अब इसके नट्स लगा देंगे, 4 जो मिले थे साथ में कंपनी के साथ जो आए थे वही लगा देंगे, फिर इसका फाइनल लुक कैसा आता है यहाँ पे वो देखते हैं। ठीक है, सो ये हम लोगों ने एक्सटेंडर लगा दिया है अभी, और ये कुछ इतना बड़ा है, मतलब अच्छा खासा बड़ा है। अब आप देख सकते हो कि जब कवर जो हुआ है, अच्छा खासा कवर हुआ है अब तो, अगर पानी उड़ेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक ही उड़ेगा, जो भी उड़ेगा ये वाला पार्ट इसको बचाना चाहिए। सो ठीक है, इसको भी एक बार साफ कर लेते हैं अच्छे से, फिर चेक करते हैं काम करता भी है कि नहीं है अच्छे से। मुझे लग तो रहा है कि अच्छा खासा करेगा काम। और ये जो स्क्रू के हैं ये काफी अच्छे से, मतलब गैप भी है इनके अंदर,
काफी मतलब वन इंच से थोड़ा कम है, लेकिन है अच्छा खासा गैप है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिंदास लगा सकते हैं। सो अगर आपको अगर ये वाला पार्ट खरीदना है तो ये मैंने अमेजोन से ही खरीदा, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी काम करता है कि नहीं करता है वो मैं फ्यूचर में बता दूंगा, एक पोस्ट में इसमें फोटो डाल दूंगा कि ये कितना क्लीन रहता है। अभी इसकी क्या हालत है देख लो, अभी इसकी ये हालत है, 300 किलोमीटर ड्राई में चली है गाड़ी, बीच बीच में कहीं कहीं पे जब कीचड़ आता है तो वही लगा हुआ है जो भी है। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा है लाइक करो शेयर करो वीडियो को, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।